नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद में कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पीलीभीत जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार पर अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाने और साथ ही अनियमित लेन देन से एलआईसी साथ ही पॉलिसी धारकों और साथ ही SBI के खाताधारकों के हितों में प्रतिकाल प्रभाव पड़ा है और इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा स्थानीय LIC कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से अडानी ग्रुप शेयर में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है और पैसा डूबता हुआ नजर आया है, इसको लेकर प्राइवेट कंपनियों में लगा लोगों को पैसे वापस कराने की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में आवास विकास कॉलोनी स्थित LIC कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय देश के अंदर एक ही बात चल रही है, जो राहुल जी कह के चलते थे कि दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार में LIC के सामने हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड जो काम करता है, चाहे ICICI हो, चाहे SDFC हो, जो भी इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने किसी ने भी अपना पैसा अडानी के शेयर खरीदने में नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो शेयर है इसमें कुछ तो गलत होगा जो दूसरी प्राइवेट नहीं लगाया। मोदी जी ने LIC का पैसा जो है अडानी के शेयर खरीदने में लगा दिया और LIC जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी का विश्वास है जनता का तो LIC पे है। जैसे कि हमारे जो अध्यक्ष मोदी जी ने बताया, ये धरना जो है, जो एक उद्योगपति जिसको सो कॉल्ड हम प्रधानमंत्री का मित्र कहते हैं, वो देश के साथ आज जो उसके शेयर गिर रहे हैं और उसने जो देश के साथ जनता के साथ जो रुपया उसका दबा के अपने को वो शहंशाह समझ रहा था, वो उजागर हो चुका है और वो आज की तारीख में लगातार उस धोखाधड़ी के रूप में प्रतिदिन उसका कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है। आज हम उसी का विरोध करने के लिए, जो निवेशकों का पैसा SBI के अंदर जमा है उस पैसे को बचाने के लिए यहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बता दें कि MP MLA कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान मीडिया के कैमरे के सामने मुक बधिर बनकर पेश हुए हैं। कोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा तो वे अपने हाथों से ही ऐसे इशारा करने लगे जैसे ही उन्हें कुछ सुनता ही ना सुनाई ही ना दे रहा हो और उन्हें मुंह में जुबान ही ना हो। लगभग 2 मिनट तक मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते रहे, लेकिन मजाल है कि वो तस से मस हो जाए। राजनीति मंचों से दहाड़ने वाले सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल साल 2008 में पूरे 14 साल पहले थाना छटलेट में कार से हूटर उतारते पर नाराज होकर धरने पर बैठे आजम खान के ऊपर हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके आरोप था कि मुरादाबाद के छलेट थाने में 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश सिंह ने आजम खान की गाड़ी की चेकिंग के लिए रुकवाई थी। इस पर आजम खान ने गाड़ी पर लगे हुए हूटर को उतरवा दिया गया था और इसी के विरोध में आजम खान सड़क पर उतर गए थे और धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे। इसके बाद से आसपास के जिले में तमाम सपा के नेता छलेट पहुंचे थे और इस दौरान आजम खान समेत दूसरे सपा नेता पर सरकार काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का आरोप लग रहा था। और आप वकील हो के आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करने दीजिए, 2-in-1 हो आप। अच्छा, माशाल्लाह। लो मिया सर, दाहिने सर राइट, तुम्हारा काम भी छीने ले रहे हैं सर। दाहिने सर दाहिने, भगवत जी का एक बयान आया है जाति व्यवस्था को लेकर, जाति व्यवस्था को इन्होंने पंडितों ने बनाई है, ये वेदों में कहीं शास्त्रों में नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? सर दाहिने सर दाहिने दाहिने, सीधा नहीं पता चला।
अबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का मुद्दा विकास के ध्यान भटकाने का प्रयास है। सपा का विकास कार्यों पर कोई सरोकार नहीं है। हमारी सरकार विकास के मुद्दे पर कार्य कर रही है। हमारी पार्टी इन मुद्दों पर घोर निंदा करती है। हमारी सरकार ने अब तक गन्ना किसानों का 1,090,000 करोड़ का भुगतान कराया है। गन्ना किसानों से शोषण की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले में प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद से 2 दिवसीय दौरे पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे हैं। जो जनता के ध्यान को भटकाना चाहते हैं, हमारी सरकार जो विकास के काम कर रही है और जो अभी हाल ही में होने वाले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक जो पॉजिटिव माहौल प्रदेश में बना है, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में इन्वेस्टर्स ने अपनी पहली पसंद उत्तर प्रदेश को बनाया है, इसका ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों को लेकर आती है जिसकी मैं और हमारा दल को निंदा करता हूं। रामनगरी अयोध्या में 65 वर्षीय 6 बेटियों के पिता ने 23 साल की युवती के साथ साथ फिर लेकर जीवन साथी बना लिया और हिंदू रीति रिवाज से हुए विवाह में बाराती और घराती वैवाहिक रस्मों को शामिल हुए थे। पूरा मामला अयोध्या के रुदौली क्षेत्र का है, जहां पर कमख्या मंदिर में बाराबंकी जनपद के सुभेबा थाना क्षेत्र में जमीन हुसैनाबाद पर पूरे चौधरी गांव के निवासी नक्षेद यादव ने 23 वर्षीय युवती से विवाह किया है। दुल्हन बने नक्षेद यादव ने बताया है कि पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 बेटियां हैं। सभी बेटियों की शादी हो गई है, जिसके बाद से पिता ने भी शादी कर ली। क्या नाम है दादा आपका? नक्षेद यादव। कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम चौधरी का प्रवाह जमीन सोनाबाद। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 63 साल उम्र है। आज आपने शादी की है, क्या उद्देश्य है शादी का? असल में हमने 6 लड़की थी, सब अपने अपने घर चली गई। हमको कोई खाना बनाने वाला वही बना देने वाला था जी, तो इसलिए हमने शादी किया। भाई मर्जी से कहाँ पर किया शादी? ये तो रांची से किया। नहीं, यहाँ कहाँ पर किया? यहाँ कामाख्या माई के दरबार में। जी जी, आपकी जो है दुल्हन, इनका क्या नाम है? इनका नाम है नंदनी यादव। कितनी उम्र है इनकी लगभग? इनकी उम्र है 24 साल। तो आप दोनों खुश हैं शादी से? हाँ, हम दोनों खुश हैं। और बता दें कि 65 वर्षीय बुजुर्ग ने साथ फेरे लिए हैं। और बता दें कि इनकी 6 बेटियां हैं, जिनकी शादी कर ली गई थी और उसके बाद से इन्होंने एक 23 साल की युवती के साथ साथ फेरे लिए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से इन्होंने 6 बेटियों की शादी की है, उसके बाद से इन्होंने अब एक 23 साल की युवती के साथ साथ फेरे लेते हुए नजर आए हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से शादी की गई है और साथ ही अयोध्या का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद हुसैन जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने साथ फेरे लेते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ उनका कहना था जब आपने उनसे बातचीत की थी? मैडम, ये पूरा मामला जो है रामनगरी अयोध्या का है और ये 65 वर्षीय ननकू का कहना था कि हमारी उम्र इतनी हो गई है और लड़कियां इनकी 6 थीं जिनकी शादी कर चुके हैं ये, और अपनी प्रॉब्लम बताया कि हमें खाने पीने की दिक्कत थी, इस रीजन से इनको शादी करनी पड़ी। लेकिन रीजन इनका ये लोगों को इसलिए नहीं हजम हो रहा था कि ठीक है, आपकी उम्र हो गई थी, आपको शादी की जरूरत थी, खाने पीने की जरूरत थी, लेकिन इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करने की जो वजह बताया है वो लोगों को हजम नहीं हो रही थी। मोहम्मद, इनके 6 बेटियां भी बताई जा रही है, मोहम्मद तुलफैल। मोहम्मद तुफैल, आवाज आ रही है आपको? बताया जा रहा है इन बुजुर्ग की 6 बेटियां भी है जिनकी इन्होंने शादी करवा ली है, उसके बाद से ये 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। जी 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 मैडम, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, इनकी 6 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, इस रीजन से इन्होंने शादी की है।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या का ये पूरा मामला है जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग ने सात फेरे लिए हैं। 23 साल की एक युवती के साथ हिंदू रीति रिवाज से पूरी शादी की गई है और कहा यह जा रहा है कि इन बुजुर्ग के 6 बेटी थी जिनकी उन्होंने शादी करवा ली, उसके बाद से इन्होंने अपनी भी शादी कर ली। बदायूं के कोतवाली ससवान क्षेत्र के ग्राम केशव की मुठेया निवासी श्रीपाल ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली परिसर में अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। आनर फाड़ में पुलिस ने कंबल डालकर आग पर बुझाया और साथ ही CHC सहवान में भर्ती करा दिया गया, जहां पर त्रिपाल की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह ने मामला कहना है कि सहसवान कोतवाली का है ये पूरा मामला जहां पर श्रीपाल का मामला चल रहा था, वही सोमवार को खुद को आग लगाकर कोतवाली परिसर में घुस गया और पुलिस कर्मियों ने उन्हें आनन फानन में आग बुझाकर बचाया और साथ ही उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उन्होंने बताया है कि श्रीपाल ने पहले मामले को लेकर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है, वही गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार की बात की गई तो मामले की जाँच कराई जा रही है। जनपद बदायूं में आज सायं थाना ससवान के अंतर्गत श्रीपाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो केशव की मड़ैया थाना ससवान के रहने वाले हैं, आज थाने में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर घुसे और आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इनका अपने सगे मुखसरी भाई से झगड़ा हुआ था जिसमें ये वांछित है और इनकी तरफ से तथा इनके मुखसरी भाई की तरफ से दोनों तरफ से अभियोग थाने पे पंजीकृत है। ये दबाव बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। तत्काल इनको उपस्थित सिपाहियों ने इनकी आग को बुझाया और इनको संबंधित CHC लेकर के गए और वहाँ से मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में हजरत सैयद सालर मसूद गाजी के उफ बता दें कि मुबारक के अवसर पर दरगाह शरीफ में आयोजित कुल शरीफ में लाखों की तादाद में शरीक होकर देश की उन्नति, खुशहाली और एकता और भाईचारे की दुआ की मांग की है। ईश्वर से कामना की गई है कि दुनिया में हमारे देश को प्रथम स्थान हासिल हो। झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत दुरखुरू में निजी भूमि के नाम पर विभागीय मेहरबानी से नदी से जमकर अवैध खनन हो रही है। निजी भूमि पट्टों के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें नदी से धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मऊरानीपुर के ग्राम रोनी में प्रतिदिन जुआरियों का तांता देखने को मिलता है। बता दें कि कच्ची शराब के शौकीन अधिक मात्रा में शराब पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं और कई शराबी सड़क किनारे लोटपोट होते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जुआ खेलने वाले पुलिस की निगरानी के लिए गांव के बाहर लड़कों को देखा जाता है, साथ ही जिससे पुलिस के पहुँचने से पहले ही वे जुआ खेलना बंद कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। कासगंज के साहावर थाना क्षेत्र के बुधारी कला गांव में वीरेंद्र सिंह सागर से साठ ठगी की गई है। दरअसल वीरेंद्र सिंह सागर रेलवे के बता दें कि रिटायर्ड अधिकारी के साथ 20 लाख की ठगी के वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ठठेरपुर निवासी एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए पीड़ित से ठग किया है। फिलहाल रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने SP से शिकायत की है, जिसके बाद से SP के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेरे साथ घटना घटी थी। उमेश चंद्र पुत्र सुंदरलाल नामक व्यक्ति हैं, ठठेरपुर के निवासी कादरवाड़ी के। उन्होंने मुझे एक ज़मीन बेची 20 बीघा की, जिसे वो मैं दाखिल खारिज के लिए सारे पैसे लगाने के बाद में गया तो जानकारी हुई कि वो दो साल पहले रूपवती सुंदर नगर की, बहादुर नगर की एक महिला है रूपवती, उनको वो बेच चुके हैं। तो मैंने उनसे उमेश से बात किया तो उन्होंने फिर मुझे जानवर की धमकी देकर भगा दिया, कानूनी कार्रवाई करोगे तो जान से मार देंगे। तो भाग्यशाली तुम्हारा कुछ नहीं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, जबकि मैंने उनके सारे पैसे उनके बैंक में अदा किए। और क्या हुआ, उन्होंने फर्जी तरीके से आपका दूसरा बैनामा कर दिया, क्या हुआ? हाँ, उन्होंने दूसरा बैनामा मेरा कर दिया, जो पूर्व में जमीन को बेच चुके थे।
अच्छा उसके ऊपर फिर क्या आपने पुलिस कप्तान वगैरह किसी को लिख के दिया? मैं पुलिस कप्तान के पास मैं थाने पे गया शिकायत करने को कहा कि कप्तान साहब से आदेश करा के लाइए। और बता दें कि कासगंज का ये पूरा मामला है जहां पर रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी से 20 लाख की ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बताया ये जा रहा है कि ये रिटायर्ड अधिकारी है और इनसे 20 लाख की ठगी की गई थी। और साथ ही बता दें इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुमैन कुरैसी जुड़ गए हैं कासगंज से, हमारे संवाददाता है। और जुम्मन क्या कुछ पूरा मामला है, 20 लाख की ठगी की गई है और ये रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी है। जी आपको बता दो ये पूरा मामला कासगंज जनपद के बरारी कला गांव के रहने वाले एक रिटायर्ड रेलवे के अधिकारी जिन्होंने एक जमीन खरीदी थी 20 लाख रुपए में, तो वही जिसमें जो 20 लाख रुपए में जमीन बेची थी उसमें जालसाजी से फर्जी तरीके से बैनामा कराकर उस रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी से 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसी मामले को लेकर रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी ने कासगंज एसपी सौरभ दीक्षित से इस मामले की शिकायत की, तो वही एसपी कासगंज सौरभ दीक्षित ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जो धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस मामले को लेकर क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की बात की है और की भी है तो कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जी आपको बता दूं जो मामला दर्ज किया गया है उसमें पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कहना है पुलिस का साफ तौर पर कि जल्द ही इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कासगंज का पूरा मामला है जहां पर रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के साथ 20 लाख की ठगी का ये मामला सामने आया है। और देखिए जिस तरीके से अधिकारी पर ही अगर अधिकारी के साथ ही ठगी हो जाए तो फिर आम जनता तो इसकी शिकार हो ही सकते हैं, इसलिए पुलिस को इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के इटावा के जनपद के हाईवे पर वाहनों को लूटने वाले गिरोह के शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने बीते 2 जनवरी की रात को लूट हुई मैक्स पिकअप गाड़ी और 600 रुपए की नकदी बरामद कर ली है। थाना फेडरस कॉलोनी पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर अमित कुमार ने बताया है कि थाना फेडरेशन कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत बीते 2 जनवरी की रात को अनार कर राजस्थान के जयपुर में मध्य प्रदेश के रीवा जा रही मैक्स पिकअप गाड़ी को ऑटो सवार बदमाशों ने लूट लिया था और बदमाशों ने पिकअप चालक के साथ मारपीट कर गाड़ी को लूटने की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 2 तारीख को 2 फरवरी 2023 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें पीड़ित लीलाधर पुत्र हेमाराम निवासी जिला नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने सूचना दिया कि 1/2 की रात्रि में इटावा ओवर ब्रिज के पास से अनार से भरा इनका महिंद्रा पिकअप गाड़ी जिसका नंबर है RJ14GN9234 उससे ऑटो सवार 3 बदमाशों ने लूट लिया है, लूट के गायब हो गए हैं। तो उनकी तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया, 392 IPC में रजिस्टर हुआ केस और कप्तान साहब ने जो है SOG सबलांस की टीम और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की भी एक टीम का गठन किया और इस संबंध में जो हम लोग जो है इस घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तभी जो है आज तारीख 6 तारीख को सूचना मिली। रामपुर में गीत गोविंद सोसाइटी, बता दें कि गीत गोविंद रिसोर्ट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 889 वर वधु को विवाह बंधन में बंधे देखते को मिल सकता है और इस सामूहिक विवाह में 339 हिंदू वर वधु थे तो वहीं 150 मुस्लिम दूल्हे दुल्हन देखने को मिले थे। हर तरफ विवाह के दौरान मंत्रोच्चारण देखने को मिला था और साथ ही इस दौरान मुस्लिम वर वधु जो है निकाह पढ़ते हुए नजर आए थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवार के लोगों को काफी राहत मिली है। जो गरीब परिवार से लड़का लड़की है उन्हें विवाह आसानी से इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। आज लगभग 489 और कल 500 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में जो है बंधेंगे यहाँ पर और सारे के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख ली गई है और काफ़ी संतोषजनक व्यवस्थाएं हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय MLC महोदय वो भी यहाँ पर आए हैं और कल भी इतना ही भव्य कार्यक्रम करवाया जाएगा।
क्या क्या दहेज में दिया गया है जो सामग्री शासन से एक आदेश के तहत 10 से भी अधिक प्रकार की सामग्रियां हैं वो सारी की सारी सामग्रियों को जो है पैकेजिंग करवा ली गई है और उसी पैकेज के हिसाब से प्रत्येक जोड़े को एक जो पूरा का पूरा पैकेज है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोग इतने एक ऐतिहासिक और सुंदर सुखद अवसर के आप और हम सब लोग गवाह बने साक्षी बने हैं। और जैसा कि अभी यहाँ हम लोग उपस्थित हुए 500 के लगभग शायद 489 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। क्या क्या सामान आज दिया गया सरकार के द्वारा नव विवाहित? इसमें 35,000 रुपए तो उनके खाते में जमा कराए गए हैं। अब खबर उन्नाव से है जहां इन्वेस्टर समिति के बैठक में 16,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान जिले प्रभारी मंत्री दयाशंकर समेत 3 मंत्री शामिल हुए। उन्नाव में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के तहत आज शहर के कब्बा खेड़ा स्थित अरोड़ा रिसोर्ट में उद्यमियों की बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इन्वेस्टर समिति उन्नाव का 3,000 करोड़ का टारगेट था जिसमें 16,000 करोड़ का OMU साइन किए गए हैं और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए जो भी नीतिगत मामला होता है उसका हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही हम लोग की नीति है। दयाशंकर जी एज अ मंत्री और एज अ ह्यूमन बीइंग जात जनगणना के पक्ष में है आप? हमारा नेतृत्व जो तय करता है उसके पक्ष में। और पार्टियों की तरह केवल पारिवारिक पार्टियां हम लोग की थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन ले ले वही डिसीजन मान्य हो जाए। अभी देखे ना एक पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया और 3 दिन के अंदर ही उसको बदलना पड़ा। तो वो लोग कभी बदल सकते हैं कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नीतिगत अपना जो भी फैसला लेती है वो सोच समझ के लेती है और जब लेती है तो उस पर अमल करती है। आपके डिप्टी सीएम है केशव मौर्या जी वो कह गए हैं कि हम जात जनगणना के पक्ष में, आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? वो नहीं, हमारे नेता हैं क्यों नहीं समर्थन करते, उनके हर बात का समर्थन। सर एक आपके विभाग से जुड़ा सवाल है मंत्री जी, उन्नाव में ओवरलोडिंग रिमझिम इस्पात ग्रुप उत्तर प्रदेश में 2,000 करोड़ का निवेश करेगा। उन्नाव में और बुंदेलखंड एरिया मिला के हम 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें कि स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फर्दर इंटीग्रेशन में जो स्टील के पाइप्स बनते हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा खुद के कंजम्पशन के लिए हम सोलर पावर प्लांट करीब 50 मेगावाट का हम लोग प्लान कर रहे हैं। उन्नाव में ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है आज इन्वेस्टमेंट मीटिंग में? आज उन्नाव में हमारा 2,000 करोड़। जनपद रामपुर के कमीशन आजनेई कुमार के लिए मुस्लिम उलमेलाओं के और साथ ही आम जनताओं ने मिलकर दुआ मांगी है। कमीशन आजनेई कुमार ने फरवरी में कार्यकाल पूरा कर रहा है और साथ ही कार्यकाल इनका पूरा हो रहा है जिसको लेकर मुस्लिम उलमेलाओं ने सरकार से अपील की है और दुआ मांगी है, साथ ही उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और कमिश्नर आजनेई कुमार सिंह ने रामपुर की जनता के लिए उनकी बहुत सेवाएं की थी, उनको रामपुर की जनता भुला नहीं पाएगी, इसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और कमिश्नर आजनेई कुमार सिंह के लिए अल्लाह से दुआ मांगते नजर आए हैं। आज हम सब लोग यहाँ इस जगह जमा होकर हमने दुआ करी है, तमाम भाई तमाम मुसलमान भाई यहाँ जमा हुए हैं और जमा होने का मकसद दुआ और दुआ बारगाह खुदावंदी में की गई है जो कि हाकिम और हाकिमीन है, परवरदिगार आलम है, उसके दरबार में दुआ की गई है कि ये शहर अमन अमान का शहर है, गंगा जमनी तहजीब का मिसाली शहर रामपुर है और इस शहर के अंदर सब मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहते चले आए हैं और रह रहे हैं, रहते रहेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा इसी शहर की तरक्की के लिए रामपुर के साबिक DM साहब और मौजूदा कमिश्नर साहब जो इस वक्त मुरादाबाद के अंदर कमिश्नर हैं, लिहाजा उनकी शहर रामपुर के अंदर बड़ी खिदमात हैं, बेपनाह खिदमात हैं और उन्होंने जो खिदमतें की हैं वो इंसानियत के नाते की हैं। उन्होंने बिला तफरीक बिला मजहब और मिल्लत खिदमत की है और उस दौरान खिदमत की है जो कोरोना काल था जिस वक्त हर शख्स अपनी जान बचा रहा था और वो सड़कों के ऊपर अकेले घूम रहे थे, उनकी बेपनाह खिदमात हैं। लिहाजा उनकी खिदमात को देखते हुए आज दुआएं की गई हैं बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इसका अजर अता फरमाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।